हेलो एवरीवन नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ एज वेल अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ एक सेकेंड अभी जो मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ आई डोंट नो मैं क्यों बना रही हूँ लेकिन आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग कि मेरे माइंड में अभी क्या चल रहा है एक्चुअली रिसेंटली सिद्धार्थ शुक्ला पास्ट अवे उससे पहले सुशांत ऐसे बहुत सारे लोग आ, लास्ट कुछ दिनों में कुछ महीनों में कुछ सालों मतलब कुछ पिछले एक साल में बहुत सारे लोग गुजर गए कोविड की वजह से कितने सारे लोगों की डेथ हो गई तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग आई वॉज वाणरिंग कि ये हमारा जो ह्यूमन लाइफ है ये जो हम रोज़ काम पे जाते हैं रोज खाना बनाते हैं खाते हैं लोगों से बात करते हैं झगड़ा करते हैं किसी का अच्छा हो तो हमसे सहा नहीं जाता वी गेट जेलर्स नॉट एवरी वन फ्यू पीपल सो इन सब का क्या मतलब है मतलब दीज थिंग्स आर बेजलेस मतलब वट आई एम ट्राइंग टू से ये हमारा ये जो लाइफ है हमारी इट्स टेम्प्ररी इट्स नॉट परमानेंट जिसको या जिनको Uh, या जिस चीज़ को हम अपना मान रहे हैं वो चीज़ एक्चुअली हमारी या वो इंसान एक्चुअली हमारा है ही नहीं ये जब ये हार्श रियलिटी है कि मैं फॉर एग्जांपल बोल बोल रही हूँ माय लाइफ इज नॉट माय लाइफ द की ऑफ माय लाइफ इज नॉट इन माय हैंड इट्स इन द हैंड ऑफ द ऑल सो कोविड की वजह से या जब लोगों की डेथ हो जाती है इन सब चीज़ों को जब देखती हूँ ना ऑब्जर्व करती हूँ तब मैं एक डिफरेंट ही एक दुनिया में चली जाती हूँ तब ना भगवान की जो मतलब भगवान का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा उस वक्त मेरे माइंड को अफेक्ट करता है ये सोचती हूँ मैं कि, कि किस लिए हम जॉब पे जा रहे हैं किस लिए इतना वर्क कर रहे हैं किस लिए किसके लिए आ, You know, uh, रोज मनरा कि ये लाइफ जी रहे हैं खाना बना रहे हैं किस लिए खा रहे हैं किस लिए झगड़ा कर रहे हैं मतलब ये जो लाइफ है ये टेम्प्रेरी है एक दिन जैसे हम आए हैं वैसे ही एक दिन हम चले जाएंगे और यूं चले जाएंगे फटाक से पता भी नहीं चलेगा हमें जब ये सब सोचती हूँ ना बड़ा बड़ा ही अजीब लगता है और एक आई कॉन्ट एक्सप्लेन इन आई कान एक्सप्लन मतलब आई कान एक्सप्लेन इन वर्ड्स की वट इज़ गोइंग ऑन नाउ वट्स गोइंग ऑन राइट नाउ इन माई माइंड लेकिन आई थिंक आप में से मतलब <laughs> मतलब आई थिंक uh, uh, आप रिलेट कर पाओगे मेरे साथ मैं जो बोल रही हूँ उसके साथ क्योंकि कि किसी ना किसी पॉइंट पर जाके हर एक इंसान आई थिंक ऐसा फील करता है कि हम क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं ये लाइफ जो हमारी है सो कॉल्ड जो लाइफ है हमारी ये एक्चुअली हमारी है ही नहीं तो क्यों करें किसके लिए करें लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते ऐसा भी नहीं कह, कह सकते जितने दिन इस दुनिया में रहेंगे हमें करना ही पड़ेगा हमें हमें जीना पड़ेगा हमें काम करना पड़ेगा हम सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं रह सकते लेकिन सच तो यही है कि ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ बोल के नहीं कोई भी लाइफ द प्लानट इट्स नॉट टेम्प्ररी इट्स सॉरी इट्स टेम्पररी इट्स नॉट पर्मनेंट तो किस लिए झगड़ा करना किस लिए नाराज होना इंसान हूँ हमेशा ये सारी बातें फिलोसफिकल बातें जहन में नहीं रहती लेकिन कभी कभी आ ही जाता है जैसे अचानक अभी आ गया मेरे जहन में इनफैक्ट सिंस मॉर्निंग मैं सोच रही थी uh, इसलिए सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊ uh,

Uh, ये टीका लगाया है क्योंकि पूजा की है इसलिए सो प्लीज लेट मी नो कि वॉट डू यू फील मैंने अभी जो कहा वॉट डू यू वॉट डू यू फील वॉट यू फील अबाउट दैट ओके सो या जस्ट ऐसे ही आई जस्ट थाट ऑफ शेयरिंग टेक केयर अपने अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का भी ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिनके ऊपर मैं बहुत जल्द बात करने का सोच रही हूँ सो या लेट्स सी कि कब कितना कर पाती हूँ ओके okay, uh, मन हल्का करना था इसीलिए कहा मैंने uh, पहले मैं डायरी लिखती थी अभी भी लिखती हूँ लेकिन अभी यूट्यूब पे भी मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ uh, ये मेरा एक प्लेटफॉर्म जैसा बन गया है सो so, या yeah, वीडियो को और नहीं बढ़ाती आज के लिए बस इतना ही जल्द मिलती हूँ uh, तब तक के लिए बु बाई टेक केयर स्टे सेफ स्टे ऐट होम ज़रूरत पड़ने पर बाहर जाएं नहीं तो घर पे रहें खुद अपने अपनों को खुश रखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ख़ुद को भी खुश रखें ठीक है ये लाइफ जो है इट्स अनप्रडिक्टेबल इट्स टेम्प्रेरी तो जब तक जिएंगे जितने, दिन, जितने दिनों तक जितने दिनों तक जिएंगे कोशिश कीजिए कि अच्छे से खुशी से जीने की ठीक है बाय बाय